हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लेंड एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँचे। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी कई चैप्टरों पर चर्चा कर चुके हैं। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रॉफिट लॉस चल रहा है, लाभ और हानि, वो चार क्लास रह चुका है। उसका पांचवा क्लास आज है और उसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को भाव अर्थात दर, किस दर से कोई चीज़ खरीदा बेचा जाता है। तो कई तरीके क्वेश्चन हैं, कठिन भी हैं, सरल भी हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पाँचवीं क्लास में भाव से संबंधित पहले टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हर टॉपिक का दो दो तीन तीन क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके बाद आप सभी लोग किसी भी चैप्टर से, किसी भी किताब से, किसी भी नोट से क्वेश्चन लगाएंगे, फंसेगा नहीं। जैसा कि यहाँ पहला टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 9 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिल खरीद कर लाता है और 9 रुपये में 10 की दर से सभी को बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रसर बताइए। तो आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया हुआ है कि SP बराबर क्या मैंने बताया है, CP 100 प्लस माइनस ए बाई 100, ये मैंने बताया। अब यहां पर आप सभी लोगों को एक ही चीज ध्यान देना है, कहीं भी भाव आपको निकालना होता है तो क्या होता है, पैसे को हमेशा ऊपर रखा जाता है, सामान को नीचे, तो अपने आप वो चीज निकल आता है। जैसे 100 रुपये में 5 किलो आप आलू खरीदे हैं तो 100 में आप 5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका रेट आ जाएगा अर्थात भाव आ जाएगा। भाव हमेशा पैसा ऊपर सामान नीचे लिखते हैं, तो SP भाव यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर CP भाव लिख देंगे। बस भाव का मतलब पैसा ऊपर सामान नीचे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 10 रुपये में 9 पेंसिल की दर से, 10 रुपये में 9 पेंसिल खरीद कर लाया है और 9 रुपया में 10 पेंसिल बेचेगा। इतना क्लियर। इतना रखने के बाद जब भी आपका प्रश्न में लाभ या हानि देता है हमेशा धन चिन्ह लगाकर प्रश्न हल करते हैं, मैंने बताया था। बटे में 100 त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 81 हो जाएगा, इधर 10 × 100 हो जाएगा और यहाँ पर 100 प्लस ए बाई 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 81 है, ये 100 इधर आएगा तो -100 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ ए या एक्स भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर -19% आ जाएगा, -19 बराबर ए। तो इस माइनस का मतलब क्या होता, कोई भी चीज अगर माइनस में प्राप्त होती है तो वो हमेशा किसको व्यक्त करती है दोस्तों, हानि को। अब प्लस में आता तो यही चीज आपका लाभ होता, तो 19% की क्या होगी, उसे पूरे व्यापार में हानि होगी। तो इस तरीके से आप लगाइएगा। यह इसका दूसरा रूल क्या है कि जो हर में वैल्यू होती है, कह रहा कि 10 रुपये में 9 की दर से और 9 रुपये में 10 की दर से बेचता है और 10 रुपये में 9 की दर से खरीदता है। तो जो हर में आपका दिख रहा है 9, 10, इसी का लासा ले लेंगे, ये आगे तक हमेशा चलता रहेगा। 10 और 9 का लासा क्या होगा, 90। तो इसका मतलब ये 90 जो आएगी ये कुल वस्तु होगी, ये क्या होगी, कुल वस्तु हो जाएगी। तो 90 क्या है, उसने 90 पेंसिल खरीदा हुआ है, तो जब लासा लेते हैं तो हर में जो भी पद रहेंगे उन्हीं का हम लासा लेंगे तो कुल वस्तु आएगी। अब वस्तु का हम किसमें गुणा करेंगे, भाव में। जैसे हमने 5 किलो कोई सामान लिया हुआ है वो भी किसी दर से, तो 5 किलो का उसे हम गुणा कर देंगे। तो 90 वस्तु आप लिखे हो, 90 पेंसिल यहाँ पर लिए हो 10 रुपये में 9 की दर से, तो यहाँ पर आप CP निकालोगे अर्थात क्रय मूल्य निकालेंगे, तो 10 रुपये में 9 ले रहे हैं वो भी कितना, 90 ले रहे हैं, तो 90 का गुणा करेंगे तो 100 रुपये आपका खर्चा हुआ, CP हो गया। अब SP क्या हो जाएगा दोस्तों, वही सबको बेचेंगे भी, वो भी कितने रुपए में, 9 रुपये में 10 की दर से, अब गुणे में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। तो यहाँ 0, 0 कैंसिल होगा, जिसका मतलब 9 × 9 = 81 रुपये। तो आप देख रहे हैं, खरीदा 100 रुपये का है, बेच रहा 81 रुपये का, तो घाटा कितने को रहा है, -19। तो प्रतिशत हानि अगर निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो 19 रुपये की हानि हो रही है, 100 रुपया के सामान पे गुणे 100 कर देंगे तो 19% की हानि आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। और भी इसको 5 तरीके से, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया हुआ है। तो इसी का हम लोग आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, उसी का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार 40 रुपये में 3 किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीद कर लाता है
और सभी को 75 रुपए में 5 किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो लाभ यहाँ 10% बताइए। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, मैंने सूत्र लिखा हुआ था एसपी बराबर यहाँ लिखा हुआ था सीपी 100 प्लस ए बाई 100 लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस नहीं लेंगे, लाभ यहाँ दोनों दिया जाएगा। तो भाव लगाने से आपको पता चल जा रहा है कि पैसा ऊपर समान नीचे रखेंगे। तो 40 रुपए में करा 3 किलोग्राम और यहाँ 75 रुपए में 5 किलोग्राम और यहाँ पर 100 प्लस ए बाई 100 आप लगाएंगे। उसके बाद जो कटपिट रहा उसको हम काट पीट लेंगे जैसे आपकी इच्छा हो। तो यहाँ 5 × 5 = 15 हो गया, फिर 5 × 3 = 15 हो गया, 5 × 8 = 40 हो गया, फिर 3 × 3 = 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 800 + 8a/100 तिरछा गुणा करेंगे इधर 900 और इधर 800 ले अगर इसमें हम घटा देंगे तो बराबर यहाँ पर 8a आ जाएगा। तो 100 = 8a आ रहा है, जिसका मतलब a बराबर 100/8 करेंगे तो 12.5% आएगा। क्लियर दोस्तों? 12×8=96 करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 से भाग करेंगे 12 से 1/2% आएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरा नियम मैंने क्या बताया, और आप फास्ट क्या लगा सकते हैं, 40 रुपए में 3 किलोग्राम है और 75 रुपए में 5 किलोग्राम बेचेगा। ये जो हर में आपका आ रहा है उसी का हम क्या ले लेते हैं लासा। तो कुल मात्रा यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15 हो जाएगी। तो कुल मात्रा 15 kg हो जा रही है। तो यहाँ सीपी अगर निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे 40/3×15 कर देंगे, तो 3×5=15। तो यहाँ 200 रुपया का उसने क्या किया है, खरीदा है। अब 200 रुपए का खरीदा हुआ है तब इसका मतलब बेचने की कंडीशन की बात करेंगे। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 75 रुपए में 5 किलोग्राम बेचेगा, वो भी कितना, 15। तो यहां पर भाग करेंगे इसका मतलब 5×3 = 75, 3×2 = 225 हो जाएगा। तो 200 रुपए का अगर कोई भी वस्तु खरीद करके 225 में बेची जाए तो लाभ कितने को हो रहा है दोस्तों, 25 रुपए का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना चाहते हैं तो 25 रुपए का लाभ हो रहा है 200 रुपए में, अगुणे हम 100 कर देंगे तो 2 0 से 2 0 25 का आधा क्या होता है, 12.5%। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, जितना फास्ट आप बना सके। हम तो आपको समझाने के लिए पूरी चीज लिख कर बता रहे हैं, आप कुछ चीजें ओरल भी कर सकते हैं, इतना क्लियर है। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रकार का मतलब कई चीजें कई दर से खरीद ली जाती है, तो उसमें का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक व्यक्ति 70 रुपए में 3 किलोग्राम की दर से कुछ चीनी खरीद कर लाता है और सभी को किस दर से बेचे जिससे उसे 10% की हानि प्राप्त हो। तो इसका मतलब हमको एसपी भाव बताना है और यहाँ सीपी भाव क्या दिया हुआ है, 70 रुपए में 3 किलोग्राम इंटू 10% की हानि का मतलब 90/100 में क्या हो जाएगा, 100। अब इसको हम काटेंगे तो 2 0 से 2 0 पूरा कट जा रहा है, 3 × 9 हो जा रहा है, 7 × 21/1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 21 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपका कभी कभी टोटल इधर वाला मैटर पूछ लेता है या कभी सीपी भाव वाला पूरा मैटर पूछ लेता है। तो मैंने किस पर रखा हुआ है, सीपी भाव 100 + -100, उसके बाद आप इसको हल कर लिए हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, आपका एसपी भाव में मात्रा या पैसा दे देता है, दूसरी चीज पूछ लेता है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपका दे दिया जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका दे दिया है कि सभी को किस भाव से बेचे, इतना दे दिया है। अभी यही चीज दे दिया जाता है कि सभी को, यहां दे देते हैं हम सभी को 21 रुपए में कितने केजी बेचे जिससे उसे 10% की हानि। तो 21 रुपए में कितने किलोग्राम बेचे जिससे उसे 10% की हानि हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखते हैं, एसपी तो है ही, भाव लिख दिए और यहां पर सीपी और यहाँ 100 + a/100 माइनस लिखेंगे हानि है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाते, तो एसपी भाव का मतलब 21 रुपए में कितने किलोग्राम, मतलब x किलोग्राम आप मान लेते, और यहाँ सीपी भाव का मतलब किस भाव से उसने खरीदा है, तो 70 रुपया में 3 किलोग्राम और गुणे यहाँ पर कितना, 10% हानि हो रहा है, बटे में 100, 2 0 से 2 0 हो गया, अभी 3 × 9 हो गया, 7 × 21/x इधर आ रहा है और उधर 21/1 आ रहा था, 21 कर दिया, x बराबर 1 kg बेचने। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। अब इसमें हम जो आगे क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं, कई प्रकार की चीजें खरीद लिया जाता है, मतलब अभी तक एक ही बार खरीदते थे,
उसी तरीके कई प्रकार की चीजें खरीदेंगे तब पैसे कंडीशन बनेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में हमने दो प्रकार चीजें लिखा हुआ है। कह रहा कि एक फल विक्रेता 16 रुपए में 3 संतरे और 15 रुपए में 5 संतरे। किधर से? बराबर बराबर संख्या में लिखेंगे। यहाँ पर बराबर बराबर संख्या में संतरे खरीदता है, उतने ही संतरे इसमें और उतने ही संतरे उसमें खरीदता है, और सभी को 14 रुपए में 3 की दर से 14 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर 16 रुपए में 3 संतरे, 15 रुपए में 5 संतरे और यहाँ 14 रुपए में 3 संतरे किधर से बेचता है। तो जो हर में चीजें दिखाई दे रही है इनका अगर हम लासा लेते हैं तो 15 आता है। कंफर्म है दोस्तों? अगर 15 आता है तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, इस 15 का हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो सीपी निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 15 संतरे इसमें गुणा करेंगे, 15 इसमें, लेकिन इसमें 15 15 30 का हम गुणा करेंगे क्योंकि सभी को 14 रुपए में 3 की दर से बेचा है। तो 16/3 और 15 संतरे खरीदा है प्लस 15 रुपए में 5 की दर से 15 खरीदे, 15 15 30 संतरे। और एसपी क्या कर लेंगे हम लोग, 14 रुपए में 3 अगुणे कह रहा कितने 30 संतरे, 15 ये 15 ये, तो कुल 30 बेचा है 14 रुपए में 3 की दर से। तो 3 दाम 30, तो यहाँ पर 140 रुपए का उसने क्या किया है, बेचा है। अब खरीदने वाली चीज निकालेंगे तो 3 5 15 तो 16 5 80 और 5 3 15 15 3 45, तो 16 5 80 15 3 45, तो हम तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 125 रुपए आएगा। तो 125 रुपए का कोई भी चीज खरीद करके अगर उसको 140 में बेचते हैं तो 15 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 15 रुपए का लाभ हो रहा है 125 में, अगुणे 100 कर देंगे तो 25 चौके 100, 25 5 और यहाँ 5 3 4 3 12% का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आपका दो प्रकार का दिया गया था, तो ये दोनों सीपी की कंडीशन में थे, एसपी वाला था, सभी में जो हर दिया रहता है उसी का लासा लेते हैं तो कुल वस्तु आ जाती है। तो 15 ये प्रकार, 15 दूसरे प्रकार में, और 15 15 30 का इसमें क्या गुणा किया, टोटल 30 संतरे बेचा है, सभी को बेच दिया है। तो इसी में कभी कभी क्या होता है, एक प्रकार का और दे देता तो उसमें हम सीपी वाले में इतने का फिर इसके आगे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो 3 3 प्रकार की वस्तुएं खरीद लेता है। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया है भाव के क्वेश्चन को। अब हम इसमें आप देखते हैं कि टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसमें सेकंड टॉपिक का है कि दो विक्रय मूल्य की स्थिति में भाव दे देता है। तो क्वेश्चन आप लोग बुक में देखेंगे दिया रहेगा, कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपए में 20 बटन बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए 1 रुपए में 15 बटन बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा या हानि प्राप्त, ऐसा कुछ कर देता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एसपी फर्स्ट भाव बटे में क्या लिखेंगे, 100 ± A। अब बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी सेकंड भाव अब बटे में क्या लिखेंगे, 100 ± B। इसी पे रखेंगे, ये चीज पीछे हम आपको बताए हुए थे, पहला विक्रय मूल्य आपका है। तो भाव का मतलब पैसा ऊपर समान नीचे, तो 1 रुपए में कह रहा 20 संतरे बेचता है, 20 बटन बेचता है, तो कितने परसेंट का, 20% 120 ले देंगे। बराबर 1 रुपए में 15 ऐड करा, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, या लाभ ही अकेले होगा, प्लस ले लिए। ये 20 आपका नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हम हल कर लेते हैं, 1/20 20 × 120 हो गया, और यहाँ पर हम क्या ले देंगे, 1/15 और 100 + B, तो 15 × 8 = 120 हो जाएगा, तो 20 × 8 = 160, तो 1/160 और यहाँ 1/100 + B, तो B बराबर 60% आएगा क्योंकि 100 में 60 जोड़ेंगे तभी जाकर 160% होगा, तो प्लस में आ रहा था, ये 60% का क्या हो गया आपका, लाभ हो गया। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन इसमें अगर दे देता है कोई भी तरीके का, तो उसको लगाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ तो एक तरीके दिया ही है, इसी में और भी इसी के जैसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसी के जैसे ही लगाएंगे, आप लोग समझ गए होंगे एक क्वेश्चन इसमें का, आइए और हम देख लेते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट चलते हैं। देखिए दोस्तों, उसी जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ कि एक दुकानदार 5 रुपए में 24 पेन बेचता है तो उसे 10% की हानि प्राप्त होती है, तो बताइए कि 30 रुपए में कितने पेन बेचे जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो।
तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्वेश्चन को लगाएंगे 5 रुपए में 24, 5 रुपए में 24 लिख दिया मैंने। अब बटे में कितना आप लिखेंगे, 10% के, हाँ मतलब 90। अब बराबर करा कि 30 रुपए में, क्या लिखेंगे 30 रुपए में कितने टीयर्स ले लेंगे और यहाँ 30% का लाभ प्राप्त होगा, तो क्या ले लेंगे हम लोग, 30 के बजाय हम 20 ले लेते हैं, 20%, तो 120 कन्फर्म है। तो 120 का लिए थे, 24 नीचे आ जाएगी, x नीचे आ जाएगी, तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, 5 के बटे में 24 गुणे 90 कर लिए और यहाँ पर 30 के बटे में x गुणे 120 कर लिए। अब इसको हल करेंगे हम लोग, 30 चौके 120 हो जाएगा। अब 5 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 18 बार जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 4×6=24, तो 18×6=108, 1/108 और यहाँ 1/x, तो x बराबर 108 पेन। तो इसका मतलब क्या है कि 30 रुपए में कितने पेन बेचे जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त हो, तो इसका मतलब 30 रुपए में 108 पेन बेचेगा तब जाकर के उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो हम इसी फार्मूले पे चाहे जो भी क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे आप लोग इसी पर रख करके लगा लीजिएगा, इसमें के क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे इसके अनुसार। अब हम लोग देखते हैं अगला तीसरा टॉपिक, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें तीसरे टॉपिक का क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि भाव की स्थिति में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, तो भाव की स्थिति में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या जैसे दिया हुआ है आपका कि एक सब्जी विक्रेता 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ नींबू खरीदता है और सभी को 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है और उसे कुल 176 रुपए का लाभ होता है, तो नींबू की कुल संख्या बताए, उसने कितने नींबू खरीदे और बेचे कितने। तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी निकालना होता है तो पहली चीज जान लीजिएगा, एकदम बेसिक चीजें हैं, जैसे आपको एक गाड़ी बेचवाने पर 2000 रुपए मिलता है, तो 1 लाख कमाने के लिए कितनी गाड़ी बेचना पड़ेगा, तो 1 लाख में 2000 से आप भाग कर दीजिए बस। तो उसी तरीके से यहां भी है कि इसका मतलब 176 रुपया का उसे कुल लाभ हो रहा है, तो एक नींबू बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसी से 176 में हम भाग कर देंगे, तो वही हमारा वस्तु की संख्या हो जाएगी। तो वस्तु की कुल संख्या अगर हमें निकालना होता है तो एकदम बेसिकली इसके लिए कोई ट्रिक और फार्मूला नहीं याद करना है, यहाँ लिख लेना है क्या है आपको, कुल लाभ या हानि। कभी कभी हर वस्तु पर हानि भी होने लगती है, अगर हर वस्तु पर 2-2 रुपए की हानि हो रही है तो 100 वस्तु बेचने पर 200 रुपये की हानि हो जाएगी, तो कुल लाभ या हानि बटे में 1 वस्तु पर लाभ या हानि, यहाँ लिखेंगे 1 वस्तु पर लाभ या हानि लिखेंगे। इतना आप लोग क्लियर हो गया, तो ये चीज कैसे निकलेगा इसको हम आपको बता रहे हैं। इसी चीज को आप लोग क्या ले लेते हैं, आर बटे में, आर का मतलब कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, और यहाँ 1 वस्तु पर लाभ का मतलब जब लाभ होगा तब क्या लिखेंगे, एसपी भाव माइनस सीपी भाव, ज्यादा में बेचे कम में खरीदे। ये कंडीशन किस पर बनेगी दोस्तों, प्रॉफिट पर बनेगी, लाभ पर। और यही चीज आपका आर के बटे में हम क्या लिखेंगे, सीपी भाव माइनस एसपी भाव। अब आप लोग सोचेंगे बहुत बड़ा फार्मूला बन रहा, तो यहाँ वही चीज लिखा जो इधर मैंने हिंदी में लिखा है। अब आपको ये चीज देखना है कि 18 रुपए में 12 खरीदे हैं, भाग करने पर 1.5 रुपए प्रति नींबू आ रहा है, ये क्या हो गया, सीपी हो गया। इसका मतलब एक नींबू का क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 1.5 रुपए आ रहा है, और प्रति नींबू का विक्रय कितना आएगा, 24 रुपए में 1 दर्जन मतलब 12, 2 रुपए प्रति नींबू की दर से बेचेंगे, तो इसका मतलब दोस्तों कितना आएगा, 0.5 रुपए मतलब 0.5 रुपए हर एक नींबू बेचने पर आपको लाभ मिल रहा है। तो क्या लिखा है, कुल लाभ 176 है और 0.5 रुपए का मतलब 1/2 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ये 2 का ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 352 नींबू, ये बने 2×6=12, 2×14=15, जो कन्नम दो 352 बनेगा इसके अनुसार। इसका मतलब प्रति वस्तु का हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया, तो 1 वस्तु पर लाभ या हानि हमारा निकल आया, तो कुल लाभ बटे 1 वस्तु पर लाभ या हानि से भाग करेंगे तो हमारा वस्तु की संख्या निकल आएगी।
ये तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन जो मैंने उसके आगे थोड़ा सा फार्मूला टाइप लिखा हुआ है उसका भी मतलब आप लोग समझ लेंगे। वही चीज लिखा गया है लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट में लिखा गया है। इसका मतलब कुल लाभ यहाँ पर क्या ले लेंगे, 176 लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, और हानि होता है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि पर ज्यादा में खरीदिए कम में बेचिए, और लाभ पर ज्यादा में बेचिए कम में खरीदिए तो विक्रय मूल्य आगे हो जाता है। तो 24 रुपए में 12 नींबू बेचा हुआ है और 18 रुपए में 12 खरीदा हुआ है, तो इसको अगर भाग करेंगे तो वही चीज आ रहा है 1.5, यहाँ आ रहा है 2 में 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, आधा आएगा। तो 176 में हम 1/2 से भाग करेंगे बात वही चीज आएगी 352। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, भाव की स्थिति में वस्तुओं की संख्या निकाल सकते हैं। इसी का आइए हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का आपका अगला क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा कि एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 केले की दर से कुछ केले खरीदता है और सभी को 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है और उसे कुल 210 रुपए की हानि होती है, तो केले की कुल संख्या बताइए। तो इसका मतलब यहाँ पर हानि होती है तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, तो यम बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे कुल 210 रुपए की हानि हो रही है। तो कुल हानि हो गया, एक वस्तु पर हानि निकालना है तो हमें सीपी भाव में से एसपी भाव घटा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5 रुपए में 3 खरीदा था माइनस 6 रुपए में 5 बेचा, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, इसी चीज को ध्यान रखना है। जब हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य का भाव और विक्रय मूल्य का भाव, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, इतना आप समझ लेंगे। तो 5 × 25 3 × 18 हो जाएगा यहाँ पर, तो 210 और यहाँ 5 × 25 हो जाएगा, अब 3 × 18 बटे में 3 × 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, तो ये 15 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 210 × 15 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 में 18 घटाएंगे 7, तो 30, 15 × 3 = 45, इसका मतलब 450 केले उसने क्या किया था, खरीद करके लाया था। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या चीज किया हुआ है, कुल हानि बटे एक वस्तु पर हानि, अर्थात कुल हानि अब बटे में क्या लिखेंगे, सीपी भाव माइनस एसपी भाव, बस यही चीज किए हैं, ज्यादा में खरीदे कम में बेचे, इसी को हल कर लिए, आंसर निकल आया कन्फर्म है। तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन वाले मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा और कठिन है। कह रहा है कि एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए में 5 की दर से, उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे, उसने सभी संतरे 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिए, इन सब में उसे 30 रुपए की हानि हुई, तो संतरों की संख्या बताइए। ये भी काफी टफ क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन जो हमने पीछे आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो अगर हम सीपी की बात करते हैं तो यहाँ अगर हम कुल वस्तु मानते हैं, यहाँ पर अभी हम बेसिकली मानेंगे, तो 1 रुपए में 5 की दर से, 1 रुपए में 4 की दर से, 1 रुपए में 9 की दर से, तो 5, 4, 9 इन सब का अगर लासा हम निकालेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 180 आएगा। ये हो जा रहे हैं पहली स्थिति में कुल संतरे खरीदे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं सीपी, अच्छे समझेंगे। 1 रुपए में 5 की दर से अगर 180 खरीदा हुआ है, अब प्लस 1 रुपए में 4 की दर से 180 खरीदा हुआ है, कंफर्म है, तो यहां पर कितना जा रहा है 36, यहां पर कितना जा रहा है आपका 45, 81 संतरे या 81 रुपए लिख लीजिए, कंफर्म है 180 खरीदा तो टोटल 81 रुपए में, आप बेचेंगे कितने में, 2 रुपए में 9 संतरे बेच रहा है, 180 कितना हो जाएगा दोस्तों, 360, 9 से भाग करेंगे इसका मतलब 40 × 80 रुपए का, 81 रुपया का खरीदा और उसने कुल 80 रुपया का बेचा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि यहां पर हो रही है, तो हानि कितने की हो रही है, 1 रुपए की, कंफर्म है। तो इसका मतलब 360 संतरे पर 1 रुपए का घाटा हो रहा है, तो 30 रुपए का घाटा सहने के लिए 360 में 30 का गुणा कर देंगे हम, तो 360 संतरे पर हुई हानि कितना, बराबर 1 रुपए की। अगर वो 360 संतरे खरीद करके बेच देगा तो 1 रुपए का उसे घाटा होगा, तो बताइए 30 रुपया का घाटा सहने के लिए, इसका मतलब इधर मैंने 30 का गुणा किया तो 30 रुपए हो गया,
और इधर मैंने 30 का गुणा कर दिया तो 36 3 108, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 36 3 108 हो जाएगा, 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब इतने संतरे बेचने पर उसे 30 रुपए का घाटा होगा। तो इतना आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि 360 संतरे बेच खरीद कर बेचने पर 1 रुपया की हानि हो रही है। तो 30 रुपया का हानि अगर ले आना है तो इसी में हम 30 का गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब 10,800 संतरे क्या करेगा, वो बेचेगा, तब जाकर के उसे 30 रुपए का घाटा होगा। कंफर्म हो गया दोस्तों? तो किस तरीके से आपको लगाना है, वही बेसिकली तरीके से, 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा था, 1 रुपए में 4 की दर से उतने ही संतरे, और 2 रुपए में 9 की दर से बेचा हुआ था, तो 5 4 9 का 180 हो गया। इसका मतलब 180 संतरे खरीदा 1 रुपए में 5 की दर से, ठीक है, और फिर 180 संतरे खरीदा 1 रुपए में 4 की दर से और सभी को 81 रुपये में खरीदा, उसके बाद 2 रुपए में 9 की दर से 360 संतरे बेचा, तो कितना, 80 रुपए का बेचा। 81 का खरीद करके 80 रुपये में बेचा कितने संतरे, 360, तो 1 रुपया का घाटा हो गया। तो 360 पे 1 रुपया घाटा हो रहा है, तो 30 रुपया का घाटा सहने के लिए 10,800 संतरे बेचेगा। कंफर्म है, इतना क्लियर हो गया हो तो आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वस्तुओं की संख्या निकालना है, लेकिन अलग कंडीशन में कह रहा है, एक आदमी ने 1 रुपए में 11 संतरे खरीदे, 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज देखना है, यहाँ पर मैंने दिया कीमत अर्थात मूल्य, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या वस्तु। जब यहाँ पर क्या होता है, एक ही वस्तुओं की संख्या उतनी है, कह रहा है कि 1 रुपए में 11 संतरे, तो 1 रुपए में 11 संतरे, और फिर कह रहा है कि लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपको कीमत यहाँ पर देखेंगे तो पहले क्या था, 100% था, अब उसके बाद 10% लाभ कमाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110%। तो अब इसको आप काटेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, 10:11। अब इसी का जस्ट उल्टा आप कर दीजिए तो क्या आंसर आपका निकल के आएगा, वस्तु। इसका मतलब जब यहाँ पर कीमत की बात करता है और दोनों एक दूसरे विपरीत कंडीशन में होते हैं, तो जो मूल्य का अनुपात आता है उसका उल्टा वस्तु का अनुपात बन जाता है। तो ये 10:11 आया है, तो इसका मतलब 11:10 क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 11 संतरे खरीदे हैं, तो ये क्रय मूल्य वाला हो गया, तो 1 रुपए में 11 संतरे खरीदे हैं। तो अब अगले कंडीशन में कर रहा है 10% लाभ कमाने के लिए, तो 10% लाभ इस पर हुआ है, 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 संतरे बेचने पड़ेंगे। तो जस्ट अपोजिट होता है, 11 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 110। अब 110 वस्तु खरीदा हुआ, संतरे खरीदा हुआ है 1 रुपए में 11 की दर से, 1/11 करेंगे, तो इसका मतलब 10 रुपये कीमत आएगा। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 110 ही है, तो 1 रुपए 1/10 के भाव से बेचे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11। तो 11 और 10 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, तो इस तरीके कंडीशन में क्या होता है, जो कीमत का अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, वस्तु की संख्या का अनुपात होता है। तो इसी टाइप के आइए हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदे, 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो आप लोग बेसिकली पीछे पढ़े हुए हैं SPCT वाला, लेकिन उसी बेस पे अगर हमने लिख दिया है बगल में कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचान करेंगे, तो यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का धन समान रखना हो तो जो कीमत का अनुपात होगा उसका उल्टा वस्तु की संख्या का अनुपात होगा। तो इसका मतलब कीमत या मूल्य हम कहेंगे 100 में खरीदे हो, 25% लाभ कमाना है यहाँ पर, तो 125 आप लीजिए, तो काटने पर क्या आपका आ रहा है, 2500 के 25 पंचे। तो ये तो हो गया कीमत में। अब यहाँ पर आप वस्तु की संख्या में अनुपात निकालेंगे, तो इसका मतलब 5:4। आपसे शुरू में कह रहा है कि 1 रुपए में 25 की दर से खरीदे थे, तो खरीदने का मतलब जो 100% में है ये आपका CP वाला होता है या SP होता है। तो 1 रुपए में अगर 25 की दर से खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ हम 5 का गुणा करेंगे तो 25 संतरे हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 1 रुपए में 25 संतरे खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब 5 का यहाँ मैंने गुणा किया, तो 5 का इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5 × 20 संतरे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपए में 25 की दर से हमने संतरे खरीदे हुए थे, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचना है, इसका मतलब 1 रुपए में
20 संतरे बेचना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक रुपए में ये क्या है आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का धन समान है। तो एक रुपए में और खरीदा हुआ है, एक रुपए में बेचा हुआ है, हमको आगे वस्तु की संख्या से मतलब नहीं है। तो अगर ये स्थिति दिया है कि एक रुपए में कितने खरीदे हुए हैं फिर एक रुपए में कितने बेचे हुए हैं, तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की कंडीशन में दोनों इक्वल होता है तभी आपका क्या होता है कि जो कीमत का अनुपात होता है उसका उल्टा वस्तु का अनुपात होता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, बाकी आप सीपीएसपी के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो एक आध दो क्वेश्चन और आगे देख लेते हैं, खत्म करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ दिया है कि एक रुपए में 32 बटन बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए एक रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। तो एक रुपए वाला बहुत सारा क्वेश्चन आपकी किताबों में दिया गया है, तो यहाँ एक रुपए में बेचा हुआ है, फिर दूसरी स्थिति में भी एक रुपए। तो यहाँ कीमत आपको देखेंगे तो जो लाभ हानि हो रहा वही 40% की हानि होती, इसका मतलब ये क्या है आपका एसपी फर्स्ट है। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद कह रहा 20% लाभ कमाना है, अनुपातें 120 कर देंगे तो ये एसपी सेकंड हो जाएगा। ये कीमत है विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य दोनों समान ही रहेगा। अब यहां पर आप इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 1:2 आ जाएगा। अब वस्तु की संख्या अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब यहां पर 2:1 हो जाएगा। तो एसपी फर्स्ट का मतलब जब 32 वस्तु बेचा हुआ था, इसका मतलब इसमें 16 का गुणा करेंगे तो 32 वस्तु, तो 32 वस्तु बेचा था तब 40% की हानि हुई थी, इसका मतलब यहां भी 16 गुणा कर देंगे तो इसका मतलब एक रुपए में जब 16 वस्तु बेचेगा अर्थात एक रुपए में 16 वस्तु बेचेगा तब जाकर के उसे 20% का क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे, इसी में का एक दो क्वेश्चन आइए और देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। जैसा दोस्तों यहां वही तरीके क्वेश्चन है कि एक रुपए में 12 बटन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए एक रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। तो यहां पर आपका क्या लिखेंगे, कीमत लिखेंगे और ये एसपी फर्स्ट आपका हो जाएगा और यहाँ एसपी सेकंड आपने लिख दिया, और यहां पर आप कीमत के बाद क्या लिखेंगे वस्तु लिखेंगे, इसका मतलब वस्तु की संख्या क्या है। तो पहली स्थिति में 20% हानि है इसका मतलब 80, दूसरी स्थिति में 20% लाभ, इसको काटेंगे 40 दूना 40 3, तो अब वस्तु क्या हो जाएगा 3:2। तो 20% हानि हुई थी जब 12 बटन बेचे थे, तो इसका मतलब इसमें कितने गुणा करेंगे 4 का, 12 बटन बेचने पर एक रुपए में 12 बटन बेचने पर 20% हानि हुई थी, तो एक रुपए में 4 × 8 बटन बेचेंगे तब जाकर के 20% का क्या होगा लाभ होगा। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप अपने से लगाइए फिर क्लोज करते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हल्का सा हट करके डिफरेंट लिखा हुआ है, एक ना लिख करके मैंने अलग लिख दिया है कि 40 रुपए में 45 आम बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में उसे कितने आम बेचने होंगे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी एक रुपए में थे, तो मैंने अभी आपको शुरू बताया था डबल विक्रय मूल्य, तो एसपी फर्स्ट भाव अब बटे में 100 ± A और एसपी सेकंड भाव, और यहां पर क्या लिख देंगे आप लोग 100 ± B। तो इसके अनुसार लगाएंगे करा 40 रुपए में पैसा ऊपर समान नीचे लिखेंगे कितने परसेंट हानि होती है 20, और उसके बाद कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में, 24 रुपए में x लिख देंगे तो 20% लाभ का मतलब 120, तो इसको भी हम काटेंगे नहीं 40 उसके बटे में 45 × 80 लिख देंगे, और यहाँ पर 24 के बटे में x गुणे 120 लिख देंगे। उस तरीके से लगाएंगे जिसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 40 × 3 = 120, 40 × 2 = 80 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ हम काटना चाहते हैं तो 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 20, और फिर उसके बाद हम यहाँ भाग करेंगे 4 × 5 = 20, तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आप 3 से भाग करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 45 × 2 = 90 हो जाएगा, और 5x = 90 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आम। तो 18 आम बेचेगा तब उसको जाकर के 20% का लाभ होगा 24 रुपए में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाइए, तो ये भी मैंने टॉपिक बताया है, और अभी जो हमने कीमत और मूल्य की बात, कीमत और वस्तु की बात किया था उस पर भी आपका लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम लोग 5वीं क्लास को पूरी तरीके से क्लियर कर लिए हैं, भाव से संबंधित हर तरीके क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब अगले टॉपिक से हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतनी चीजों को कंप्लीट करिए, अब वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट जरूर कर देंगे, और सब्सक्राइब चैनल नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।
तो इतना आप लोग कंप्लीट करिए, तब तक के लिए नमस्कार।